कल दिन में श्रीनगर पुलिस को इत्तला मिली थी कि वहाँ दो मिलिटेंट छिपे हुए, तो श्रीनगर पुलिस, बडगांव पुलिस और सीआरपी आर्मी मिलके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही मिलिटेंट ने फायर शुरू कर दिया, जिसमें एक आर्मी के जवान जख्मी हो गए। इनकाउंटर में दो टेररिस्ट मारे गए, दोनों जैश मोहम्मद आउटफिट से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें एक आइडेंटिफिकेशन हुआ था वो पाकिस्तानी है, वलिद भाई खालिद इलियास बोलते हैं, दूसरा कि साउथ कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, जावेद। सर, पास्ट इन्वॉल्वमेंट कोई इनकी अटैक्स में, जो कंटिन्यूस साइबर अटैक्स वगैरह हो रहे हैं? हम लोग उसमें जाँच कर रहे हैं। दोनों जो पहला मिलिटेंट जो खालिद जो है FT, उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है इसमें। सर, अगर आने वाले समय की बात करें, किस तरह की अभी सिक्योरिटी की जो हमारी इंतजाम है जम्मू कश्मीर में वो है, क्योंकि जितना हम लोग देख रहे हैं कि श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी ऑपरेशन भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो इनपुट के बारे में? बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको लोकल पुलिस को इसमें मन की अप्रेज करना चाहिए कि इन नेटवर्क बहुत अच्छा है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है और हम लोग इनकाउंटर को कमाई भी कर रहे हैं। और उसमें जो बड़ी बात है कि जो कल रात भी हम लोग जो इसमें मौका दिए थे कि सरेंडर कर जाए, इनकाउंटर से बाहर निकल जाए, लेकिन सरेंडर नहीं किया, लेकिन हम लोग पूरा मौका देते हैं कि खासकर जो लोकल टेररिस्ट कोई फंसता किसी भी इनकाउंटर में, उसको पूरा मौका देते हैं कि वो लोग बाहर निकल जाए, अपने फैमिली के पास चल जाए, मेन स्ट्रीम आ जाए। सर, ये एक पॉजिटिव बात आ रही है, कई लोग सरेंडर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि अक्टूबर में टोटल 5 मिलिटेंट लाइव इनकाउंटर में सरेंडर किया है, और टोटल इस साल में अभी तक 8 टेररिस्ट जो है लाइव इनकाउंटर में टेररिस्ट किया है, और अक्टूबर में सिर्फ 5 किया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं पेरेंट्स लोग से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को समझाएं, खास के जो नए लड़के ज्वाइन किए मेन स्ट्रीम में आ जाए। सर, एक सवाल हमेशा रहता है जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज को लेकर के, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो क्या अभी भी डार्क नेट का इस्तेमाल कंटिन्यूस है इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू, या फिर हो रहा है? हम लोग पकड़।